हेलो गाइस, अनुपमा मैं। आज आप देखेंगे कि अनुपमा आध्या की देखभाल करती है। जब आध्या उसे गले लगाती है तो वह भावुक हो जाती है। आध्या सो जाती है। लीला को परी की चिंता है। वह वनराज से कहती है कि उन्हें परी के साथ रहना चाहिए था। पूरा परिवार आध्या और परी की चिंता करता है। पाखी का कहना है कि श्रुति अपनी जिंदगी के लिए लड़ रही है। लीला उन्हें बताती है कि अनुपमा ने परी को बचाया है। वनराज कहता है कि उसने कोई बड़ा काम नहीं किया, हालांकि अगर वह वहां होता तो परी को बचा लेता। वह आगे कहता है कि अनुपमा परी को छोड़कर अनुज के पास चली गई है। उसे नहीं लगता कि अनुपमा अनुज और श्रुति को शादी करने देगी। वह कहता है कि अनुपमा ने अपना रिश्ता तोड़ दिया है क्योंकि वह अनुज को नहीं भूलना चाहती, जो बहुत अमीर है। वह कहता है कि अनुज ही उसके लिए एकमात्र विकल्प है। काव्या उससे सस्ते में न सोचने के लिए कहती है। वह कहता है कि वह अनुपमा को अच्छी तरह से जानता है और उसे लगता है कि वह श्रुति को मरते हुए देखकर खुश है। हसमुख उससे अनुपमा पर आरोप लगाना बंद करने के लिए कहता है। उनका सुझाव है कि वे श्रुति के लिए प्रार्थना करें। वह कहता है कि वह अनुपमा को जानता है, जो श्रुति की हालत देखकर दुखी होगी। अनुज आध्या के पास पहुंचता है। वह अनुपमा को आध्या के साथ देखकर हैरान हो जाता है। वह कहता है कि आध्या का मन अनुपमा से नफरत करना चाहता है, लेकिन उसका दिल अभी भी अनुपमा के साथ है। उसे डर है कि वह आध्या और श्रुति को एक साथ नहीं संभाल पाएगा। उन्हें उनकी चिंता है। वह सोचता है कि अगर दोनों में से किसी को भी कुछ हुआ तो वह खुद को माफ नहीं कर पाएगा। अनुज आध्या को उदास पाता है। वह उससे पूछता है कि वह क्या कर रही है। उनका कहना है कि वह अभिव्यक्ति डायरी में अपनी इच्छा लिख रही है ताकि श्रुति ठीक हो जाए। उसे अस्पताल से फोन आता है। प्रतीक वनराज से कहता है कि उसे अपने क्लाइंट से बात करने की जरूरत है। वनराज कहते हैं कि प्रतीक ज्यादा फोकस्ड है। काव्या उससे पूछती है कि क्या वह प्रतीक को अंश का पिता बनाना चाहता है। हसमुख और लीला तब हैरान रह जाते हैं जब वनराज स्वीकार करता है कि वह प्रतीक को अपना दामाद बनाना चाहता है। डिम्पी ने टीटू से बातचीत की। वह उससे मजबूत रहने के लिए कहता है, वह जल्द ही वापस आएगा। वह उसे धन्यवाद देती है। अंश परी से बात करना चाहता है। डिम्पी कहती है कि वे कुछ देर बाद परी से बात करेंगे क्योंकि वह इस समय सो रही होगी। वनराज टीटू के खिलाफ है। हसमुख और लीला वनराज से पूछते हैं कि उसने अच्छा होने का नाटक क्यों किया और डिम्पी और टीटू को सपने क्यों दिखाए। वनराज कहता है कि उसने डिम्पी और टीटू को वापस लाने के लिए ड्रामा किया। वह नहीं चाहता था कि अनुपमा इस मामले में हस्तक्षेप करे। हसमुख और वनराज में बहस हो जाती है। वनराज को नहीं लगता कि टीटू डिम्पी के लायक है। उनका मानना है कि प्रतीक डिम्पी के लिए सही विकल्प है। वह कहता है कि प्रतीक के पास उसके माता पिता नहीं है, वह डिम्पी और अंश के लिए भी परफेक्ट है। काव्या उसका विरोध करती है। वह उसे डिम्पी का ब्रेन वॉश करने के खिलाफ चेतावनी देता है। उन्हें यकीन है कि डिम्पी उनकी बात मानेगी। काव्या कहती है कि वह डिम्पी को मजबूर नहीं होने देगी। वनराज पूछता है कि वह अपने पारिवारिक मामले के बारे में बात करने वाली कौन होती है। काव्या कहती है कि यह उसका भी परिवार है। वह उसे समझाती है कि ऐसी गलती न करे। अनुज और आध्या अस्पताल आते हैं और श्रुति से मिलते हैं। वे श्रुति को सचेत पाते हैं और खुश होते हैं। परी परेशान है। किंजल नहीं चाहती कि वह कोई न्यूज चैनल देखे। परी कहती है कि वह कार्टून देखेगी। किंजल का कहना है कि वे बोर्ड गेम खेलेंगे। परी पूछती है कि क्या श्रुति जीवित है। किंजल हाँ कहती है। वह परी के डर को दूर करने की कोशिश करती है। परी कहती है कि वह अंदर से डरी हुई है। किंजल उसे गले लगा लेती है। अनुपमा यशदीप से मिलती है। वह उसे बताता है कि वह अस्पताल आया था और सब कुछ सुन लिया था। वह चला गया क्योंकि वह आध्या और उसके बीच बात नहीं करना चाहता था। वह कहती है कि वह एक एहसान चाहती है। वह परितोष और किंजल के साथ नहीं रहना चाहती। वह उसे अपने घर में रहने के लिए कहता है। वह उसे बताता है कि बीजी उसका परिवार है। अनुपमा ने उन्हें धन्यवाद दिया। वह कहती है कि वह कोई आश्रय या पैसा मांगने नहीं आई थी। उसे घर मिल गया है और वह सिर्फ उससे एक पत्र चाहती है। कैडी ने घर खो दिया है और अकेले किराया नहीं दे सकती है, इसलिए यह बेहतर होगा किराया साझा करने और उसके साथ रहने के लिए। वह सिफारिश पत्र देने के लिए सहमत हो जाता है। उनका कहना है कि वह हमेशा उनके साथ है। उसे एक आश्चर्यजनक संदेश मिलता है।